कोरोना मामले में सिवान से राहत देने वाली खबर आ रही है। खबर यह है कि 29 कोरोना पॉजिटिव में 22 कोरोना पॉजिटिव की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिवान सीएस डॉक्टर यदुवंश कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी दी। सीएस ने बताया कि 29 में से 22 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 7 अन्य की जांच रिपोर्ट 3 दिनों में आ जाएगी। संभवतः उनकी भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। सीएस ने बताया कि अभी सिवान पिंक जोन में है। सीएस ने यह भी बताया कि इन सबका सारा श्रेय लॉकडाउन को जाता है और इसमें मीडिया का भी काफी सहयोग रहा। समर्पण भावना से हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने काम किया, वे सभी प्रशंसा के पात्र। आइए सुनते हैं सीएस ने और क्या क्या कहा। सर, सिवान हॉटस्पॉट बना हुआ था, अभी कितने मरीज पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं? जी, हमारे यहाँ 29 कुल पॉजिटिव हुए थे, जिसमें अभी 22 आदमी नेगेटिव हो चुके हैं और बाकी 7 वो 7 अभी पॉजिटिव हैं। कब तक सर रिपोर्ट आएगा ये नेगेटिव? इन लोगों का जो अभी 7 पॉजिटिव है और 3 दिनों के बाद कराया जाएगा। 3 दिनों के बाद रिपोर्ट आएगा। सर, अभी किस जोन में हम लोग हैं और किस जोन में जाने की उम्मीद है? अभी अब हम लोग पिंक जोन में जाएंगे। पिंक जोन और हाँ, समय बिल्कुल केसेस नहीं होंगे, 28 दिन तक ग्रीन जोन में आ पाएंगे। सर, जिस तरह से माना जाए कि सर बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा, ये आप लोगों का भी सहयोग है। आखिर सारे का सारा श्रेय लॉकडाउन को जाता है, उस बंधन को जाता है, क्योंकि उसकी कोई विशिष्ट दवा नहीं है। हमने समर्पण भावना के साथ, मैं और मेरे कर्मियों ने काम जरूर किया है, तो काम कर रहा है, उसकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लेकिन ये लॉकडाउन का असर है, संयुक्त प्रयास। थैंक यू सर।